भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आज ऐसी ही एक और लौ जगाने के लिए हम सब इस प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हैं। आप सभी सम्माननीय अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। जिया यानी ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस सशक्त महिलाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें प्रेसिडेंट अवॉर्डी, प्रो वाइस चांसलर, सीनियर एडवोकेट्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, जर्नलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स आदि बहुआयामी सदस्य सम्मिलित हैं। इसकी नेशनल कन्वीनर एडवोकेट मोनिका अरोड़ा जी हैं और को कन्वीनर ललिता निझावन जी। इन दोनों के नेतृत्व में यह समूह समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्य में पिछले लगभग 7 वर्षों से अपना योगदान दे रहा है तथा समाज में सकारात्मक परिवर्तन के सूत्रधार की परंपरा या भूमिका निभा रहा है, जिसमें विमेन रिलेटेड लॉज इन इंडिया, चेंजेस इन एजुकेशन पॉलिसी, जेंडर बजटिंग, रेड्रोसिटी और नेशनलिज्म, स्त्री शक्ति, आर्टिकल 370 एंड 35A, फैक्ट्स एंड लॉज जैसे व्यापक विषयों पर चर्चा होती रही और समाज में अपना दृष्टिकोण लेख व जिया मैगजीन के द्वारा भी प्रस्तुत किया गया। देश में होने वाली संवेदनशील घटनाओं पर जिया की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने स्थिति की तथ्यागत जानकारी लेकर अपनी रिपोर्ट संबंधित ऑफिसेस और मिनिस्ट्रीज और मानवाधिकार आयोग को प्रस्तुत की है, जिसका भी एक सकारात्मक प्रभाव हम सब ने देखा। जिया मेंबर्स को आप सब ने टीवी में विभिन्न चैनल्स पर डिबेट शोज में भी देखा होगा। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर भी हमारा यह ग्रुप एक्टिव रहता है और देश समाज से संबंधित हर विषय पर अपनी राय हम बेबाकी से प्रस्तुत करते हैं। 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जन्मोत्सव पर जो कुछ हुआ हम सब ने देखा और 17 अप्रैल 2022 को जिया मेंबर्स की टीम उस घटनास्थल पर गई और अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लेकर आज हम 25 तारीख को आपके सामने उपस्थित हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं आमंत्रित कर रही हूँ फैक्ट फाइंडिंग टीम की मेंबर डॉक्टर सोनाली चितालकर से कि वे इसके बारे में अपनी भूमिका यहाँ प्रस्तुत करें। धन्यवाद नमिता जी और सभी को नमस्कार। जैसा कि नमिता जी ने कहा, 16 अप्रैल 2022 को दिल्ली में फिर से स्ट्रीट वायलेंस देखा गया। बहुत स्पेसिफिकली मैंने शब्द यूज़ किया है स्ट्रीट वायलेंस। ये देश के बाकी हिस्सों में भी हो रहा था। हम सब लोगों को जिया जैसा कि एक ऐसा समूह है जो देश में होती हुई घटनाओं पे बहुत ध्यान देता है और दिल्ली खासकर हमने देखा था कि कुछ ही एक 1.5 वर्ष पहले फरवरी 2020 में इसी तरह से स्ट्रीट वायलेंस इराप्ट हुआ था, जिसके ऊपर जिया ने एक संपूर्ण बहुत एक्सटेंसिव और डिटेल्ड ग्राउंड रिपोर्ट करी थी। तो तब से उसके बाद से हम लोग देखते आ रहे हैं कि दिल्ली में क्या क्या घटनाएं होती हैं। स्ट्रीट वायलेंस जब हुआ तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम फिर से एक फैक्ट फाइंडिंग करेंगे। ध्यान देने वाले शब्द हैं तथ्यों पर आधारित खोज। तो हम लोग ग्राउंड पर जाते हैं और हम लोगों ने वहाँ पे विक्टम्स से भेंट करी, सिचुएशन देखी, स्थिति देखी, जितना हमारा रिसर्च हो सकता था तथ्यों पे आधारित वो रिसर्च हमने किया। दो तीन प्रश्न जो सामने आए हैं वो आपके समक्ष रख के मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, अपनी वाणी को विराम दूँगी। दो तीन जो मुख्य प्रश्न हैं कि क्या अब 2022 में राष्ट्रीय राजधानी में ये स्थिति आएगी कि यहाँ के कुछ विशेष समुदाय के लोगों को यदि कोई रंग ना पसंद आए या कोई गाना ना पसंद आए तो जो लॉ और जो लीगल स्ट्रक्चर है उसके बाहर जाके पथराव होगा और वायलेंस होगा, स्ट्रीट वायलेंस होगा। यदि ये स्थिति है नेशनल कैपिटल में तो बहुत सोचने वाली स्थिति है। ये जो लॉ है वो अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज सेम है,
हो सकता है कि मुझे कोई रंग कोई गाना ना पसंद आए, पर पत्थर उठाना मेरे अधिकारों में नहीं है। तो ओवरऑल एज अ सिटी, एज द नेशनल कैपिटल, एज द कंट्री, एज अ कम्युनिटी, हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये जो स्थितियाँ हैं ये क्यों आ रही हैं, ये आगे भी उत्पन्न होंगी, पॉलिटिकल हैं या नहीं हैं। इन सारी बातों को इलैबोरेट मेरी यहाँ पे सहयोगी जो बैठे हुए हैं मंच पे वो करेंगे। पर हाँ, ये मैं फिर से कहना चाहूँगी, दिस इज़ अ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बेस्ड ऑन ग्राउंड फैक्ट्स, और हम लोगों ने कोई भी कंजेक्चर या कोई भी इमेजिनरी स्टोरी नहीं बनाई है। इट इज़ अ रिपोर्ट विच इज़ टेलिंग यू व्हाट हैपेंड ऑन ग्राउंड, बिल्कुल सीक्वेंस में, बिल्कुल डिटेल। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सोनाली जी। मैं आमंत्रित करूंगी मोनिका अग्रवाल जी को, जो खुद भी इस फैक्ट फाइंडिंग टीम का एक मेंबर रही, कि वे अपनी जानकारी इस सभा को दें। धन्यवाद नमिता जी, सभी को नमस्कार। बहुत सारी बातें तो अभी फैक्ट फाइंडिंग जब रिलीज़ होगी तो आपको पता चलेंगी, बट एक इंसिडेंट जो हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हमने इसमें लिखे हैं, एक इंटरव्यू जो हमने किया वहाँ पर एक बहुत यंग लड़के का, उसकी मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अभी उसको 8-9 महीने पहले ही उसने जॉब लिया था और बहुत खुश था अपनी जॉब में, नई नई जॉब थी। तो 6 महीने पहले उसने एक बाइक खरीदी थी, नई बाइक, उसने बोला 1.25 लाख की बाइक आई थी, मैंने उस पर लोन करवाया था। और वो अपनी जॉब से वापस आया तो उसका एक फ्रेंड और एक छोटा सा बच्चा उनके साथ बाइक पे था, और जहाँ से ये हनुमान जयंती का प्रोसेशन निकल रहा था वो उस रूट से सिर्फ जा रहा था। उसका कोई ना वो उसका पार्ट था, ना इधर का पार्ट था, ना उधर का पार्ट था, वो सिर्फ वहाँ से निकल रहा था। लेकिन जब ये दंगा हुआ, स्ट्रीट वायलेंस हुआ, जैसे कि सोनाली जी ने कहा, तो इसके ऊपर भी अटैक हुआ। उन लोगों ने ये भी नहीं देखा कि उसके बाइक के ऊपर 5 साल का एक बच्चा बैठा हुआ है, उसको भी चोट लग सकती है, और ये लड़के भी खुद बहुत यंग हैं, नए नए अभी जॉब में आए हैं। उनके ऊपर अटैक किया, लाठी से पहले उनको मारा, जब वो लोग गिर गए, अपनी बाइक वहाँ पर छोड़ी, जब वापस बाइक लेने के लिए गए तो तलवार से उनके ऊपर हमला किया, जिसके चलते वो लोग डर के वहाँ से भाग गए। मुश्किल से 20-25 मिनट के बाद वो पुलिस के साथ वहाँ वापस आए, इतने में उनकी बाइक वहाँ से गायब हो चुकी थी, बाइक वहाँ नहीं थी। उसने FIR की है, लेकिन क्या जो लोग आम नागरिक हैं इस देश के, वो कहीं से जा नहीं सकते, चल नहीं सकते? वो एरिया ऐसा हो गया, इतना सेंसिटिव हो गया है कि चीज़ें ऐसे ही गायब हो जाती हैं। एक ये बाइक नहीं है, वहाँ पर ऐसी कई गाड़ियाँ न केवल जला दी गई, चोरी हो गई, गायब हो गई। कई ऐसे हम लोगों ने वीडियोस देखे जिसमें स्कूटी को डैमेज करके वहाँ के नालों में फेंक रहे थे, वो वीडियोस हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, हमें कहीं से उनको लाने की ज़रूरत नहीं है, दे आर ऑल अवेलेबल। तो हमें नहीं पता कि हम किस तरीके की सिचुएशन में रह रहे हैं और इस तरीके की सिचुएशन क्यों हो रही है। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसके बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मोनिका जी। मैं आमंत्रित करूंगी श्रुति मिश्रा जी को कि वे अपने अनुभव हम सबके साथ साझा करें। सभी को नमस्कार। हम जब फैक्ट फाइंडिंग कर रहे थे तो वहाँ पे अलग अलग बहुत सी कहानियाँ कहें या आप बीती कहें, अलग अलग लोगों की सामने आ रही थी। ऐसे ही हम फैक्ट फाइंडिंग करते हुए जिनसे मिले वो यहाँ इस सभा में भी आए हुए हैं, वो अपना अभी परिचय खुद ही देंगे, मैं उनका नाम नहीं बता सकती, अभी वो खुद ही बताएंगे। उन्होंने जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा बहुत शांति के साथ चल रही थी, कहीं कोई शोर नहीं था, हम सब अनुशासन में चल रहे थे। अचानक जब एक धर्म विशेष का जो पूजा स्थल है उसके सामने से जब शोभा यात्रा गुजरी तो जो मुख्य अभियुक्त है अंसार नाम का, वो सामने आया और उसने कहा कि आपको शोभा यात्रा यहाँ से हटानी पड़ेगी, नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि क्या गंभीर परिणाम होंगे? उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो कुछ असुविधा नहीं हो रही है, तो इस
इसको कहते के साथ ही जैसे थोड़ा सा ही आगे चले और अचानक उनके ऊपर पत्थर, शराब की बोतलें जो कांच की थी और तलवारें, वो सब उन सब की बारिश जैसी होने लगी। और आश्चर्य की बात ये थी, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि इन घटनाओं में पुरुषों की प्रधानता नहीं होती। अब ऐसा लगता है कि जैसे प्रतिनिधित्व का जिम्मेदारी महिलाओं को दे दी गई है। वो महिलाएं जो अपने को अपने चेहरे को ढककर रखती हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में पत्थर थमा दिए जाते हैं, उनके हाथ में बोतलें थमा दी जाती हैं। और उनका आक्रोश पता नहीं किस बात पर था, लेकिन आक्रोश इतना गहरा था कि भीड़ के को तो जो पथराव कर रहे थे उनके जो रक्षक पुलिस वाले हैं उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। और इसके साथ ही हनुमान जन्मोत्सव की, जिस हनुमान की विशाल मूर्ति को लेकर वो भीड़ चल रही थी, उस भीड़ ने के ऊपर प्रहार करने वालों ने उस हनुमान की मूर्ति को भी तोड़ दिया। उनके भी हाथ, हम लोगों ने प्रत्यक्षदर्शी थे, हम लोगों ने देखा उनका हाथ टूटा हुआ है और उस पर कपड़ा बांधा गया है। उस मूर्ति को पीछे से तोड़ने की कोशिश की गई है। तो ये सब घटनाएं थी जो हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने देखी। एक बात बस मैं और कहकर अपनी बात को विराम करूंगी कि वहाँ पे ऐसा नहीं था कि हमने केवल एक ही लोगों से बात की, हमने एक वर्ग विशेष से भी जाकर बात की। और जब वो वर्ग विशेष से जाकर बात करने पे हमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ हमने पथराव किया है, और पथराव करने की वजह, और जब बात कर रहे थे वहाँ पे भी वही स्थिति थी, छोटी छोटी 13-14 वर्ष की बच्चियाँ अपने चेहरे को ढके हुए और उनको आगे करके पुरुष बात कर रहे थे, और पुरुष बात भी नहीं कर रहे थे, वही महिलाएं बात कर रही थी। जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उनका मतलब मुझे लगा ये 14 वर्ष की बच्ची की, मासूम बच्ची की मानसिकता इतनी विकृत कैसे हो सकती है। उसने कहा कि हमारा तो ये महीना चल रहा है और ये हमारे पवित्र महीना चल रहा है, इसमें हनुमान जन्मोत्सव कैसे मना सकते हैं। तो इस तरह की घटनाएं थी। आगे बहुत हमारे प्रत्यक्षदर्शी लोग भी आए हैं, आगे भी लोग आपको बताएंगे। बस मैं इतनी ही बात को कहकर ये विराम करूंगी कि कई ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो समाज को नकारात्मकता की ओर मोड़ रही हैं और विध्वंस की ओर ले जाने का प्रयास कर रही हैं। धन्यवाद। हनुमान जन्मोत्सव पर ऐसी पत्थरबाजी जिसे स्ट्रीट वायलेंस हम सब ने अभी सुना, उसके कुछ विक्टिम्स हमारे साथ हैं। उनसे मैं ज़रूर कहूँगी कि सभा में आए हुए बाकी लोगों के साथ वो अपना अनुभव साझा करें, जिससे तथ्यगत जानकारी सबको प्राप्त हो सके। मैं आमंत्रित करूँगी श्री उमा शंकर जी को कि वे अपनी आकर बात कहें। यहाँ सभागार में उपस्थित सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक जगह पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते और विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते शुरू से हमें बताया जाता है कि अनुशासन हमारा जीवन ध्येय होना चाहिए, और उसी अनुशासन में उस दिन उस यात्रा का प्रारंभ किया गया था। यात्रा बड़े सुचारू रूप से अपने स्थान से चली थी और बड़े तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को पहले से दिशा निर्देश था कि हमें सभी को कोई भी अभद्र नारेबाजी नहीं करनी, किसी प्रकार की कोई वॉयलेंस नहीं करनी, प्रशासन से पूर्णतः सहयोग बना के रखना है। यदि कहीं यात्रा में, कहीं यातायात में कोई दिक्कत आ रही है तो कार्यकर्ता प्रशासन के सहयोग से उस यातायात को बाधित ना होने दें। ये सारी चीज़ें कार्यकर्ताओं को पहले से दिशा निर्देश दी गई थी, परंतु उस समय जो स्थिति वहाँ पे पैदा हुई, जैसे ही यात्रा सी ब्लॉक मस्जिद से टर्न हुई, यात्रा काफ़ी लंबी थी तो आगे झांकी थी, पीछे कुछ पैदल कार्यकर्ता थे, अंत में बाइकें थी। जैसे ही यात्रा मस्जिद से आगे को निकली, वहीं कॉर्नर पे 60-70 लोगों का एक गुट वहाँ पे खड़ा था, जिन्होंने हाथ बांधे हुए थे, हाथ बांध के यात्रा को आगे निकलने का शायद इंतज़ार कर रहे थे।
तो जब यात्रा जैसे ही थोड़ी आगे निकली, उन्होंने अचानक पीछे के जो कार्यकर्ता अपने थे उन पर हमला शुरू कर दिया। और हमला केवल हाथों से नहीं, लाठी थी, डंडे थे, तलवारें थी। और जैसे ही हमला हुआ भगदड़ सी मची, और उस भगदड़ में पूरी एकदम सारी अव्यवस्था फैली। कार्यकर्ता अपनी इतनी देर में ऊपर से पत्थर, कांच की बोतलें, मैं पीछे की तरफ भागा, क्योंकि उस यात्रा को उस समय लीड मैं कर रहा था, तो अपना कोई कार्यकर्ता ना उसमें फंस जाए, क्योंकि जो उस समय स्थिति थी वो बड़ी भयावह थी। वहाँ पे उन कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी डंडों से प्रहार हो रहे थे, ऊपर से उनकी जो महिलाएं थी वो पत्थर फेंक रही थी, शीशियाँ फेंक रही थी कांच की। यहाँ तक कि ऐसी भी कुछ घटनाएं हुई वहाँ पर कि एक ज्वलनशील पदार्थ उन्होंने फेंका, जो थोड़ी दूर पे मेरी एक स्कूटी वहाँ पे खड़ी थी, किसी शायद कार्यकर्ता की रही होगी जो छोड़ के भागा था, वो स्कूटी पूरी तरह जलने लगी। मैं कार्यकर्ताओं को निकालने के प्रयास में लगा हुआ था, तभी वहाँ पर मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ें थी, अंसार भाई कोई बच के जाने ना पाए, अंसार भाई इनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, अंसार भाई कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार की आवाज़ें। तो मैंने अंसार का नाम केवल सुना था, मैंने अंसार को आइडेंटिफाई किया कि ये अंसार है। मैंने अंसार से बोला, अंसार भाई ये क्या करवा रहे हो, ये निहत्ते कार्यकर्ता हैं, इनको छोड़ दो, इन्हें जाने दो। तो अंसार का जवाब था कि इस क्षेत्र से, हमारे इलाके से शोभा यात्रा निकाली है तो इसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। और उसी बीच मैं कार्यकर्ताओं को निकालने में लगा था, तभी मेरे ऊपर लाठी से डंडों से हमले हुए। जब पीछे मैं पलट के देखा तो अंसार के हाथ में तलवार थी, जिस तलवार से उसने मेरी गर्दन पर वार किया। वो तलवार शायद ईश्वर की ही कृपा थी कि गले में माला थी रुद्राक्ष की, जो पहले रुद्राक्ष की माला पे लगी, और मैं तलवार के चोट से एकदम हताहत सा हो गया। पास में एक पुलिसकर्मी थी, उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला, निकाल के गाड़ी में, एक अनजान कोई गाड़ी थी उसमें बैठा के मुझे हॉस्पिटल भेजा। मैं ये मानता हूँ कि अगर उस स्थिति में, जो स्थिति वहाँ पे बनाई गई थी और जिस प्रकार से हमले हो रहे थे, पेट्रोल बम, केमिकल्स, बोतल फेंकी जा रही थी कार्यकर्ताओं के ऊपर, अगर उस समय अगर कोई कार्यकर्ता उनके बीच में फंस जाता तो शायद दिल्ली में जो 2020 में जो दिलबर नेगी के साथ हुआ था, वही स्थिति आज हमें देखने को मिलती। सबसे अच्छा ये हुआ, मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। ध्यान से हम सब निशब्द हैं, और जिया की ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट शायद आपके दर्द में कुछ सहारा दे सके। मैं आमंत्रित कर रही हूँ सुरेश जी को कि वे आकर अपने अनुभव साझा करें। सुरेश जी, यहाँ जितने सज्जन बैठे सबको मैं नमन। उस दिन ये रैली जो था बिल्कुल शांतिपूर्ण रैली था। हमारा कोई मकसद नहीं था झगड़ा करने का। हमारा कोई झगड़ा करने का मकसद होता तो हम अपने छोटे बच्चे, जो मेरा लड़के का उम्र 13 साल है, ऐसा छोटे छोटे लड़के भी हमारे साथ में थे। हम जो इस रैली को, भाई साहब ने अभी जो बताया, इस रैली को हम सी ब्लॉक होते हुए हम काली मंदिर के जो कोने पे थे, वो मैं ही वो शख्स था जो आंसर से धक्का हो रहा था। आंसर ने हमारे, देखना उस वीडियोस में होगा, आंसर ने हमारे रथ के ऊपर भी पैर रख रखा होगा। तो आंसर यही मेरे को कह रहा था, जो आगे जाओगे तो मस्जिद का आगे ड्रामा हो जाएगा। तो मैंने बोला, आंसर ऐसा नहीं है। क्यों? बोला जाओ आगे पता चल जाएगा। तो फिर मैंने देखा तो यहाँ अगर रथ को छोड़ दूँ तो पीछे और भी लोग हैं, शायद कुछ हो सके। तो मैंने सोचा चलो रथ को जान दो, पीछे तक मैं कवर करूँगा ताकि कुछ
दुर्घटना ना घटे, पीछे से जो छोटे छोटे बच्चे जो अंदर से धक्का दे रहे धमका रहे थे ताकि इनको ना मारे, तो मैं पीछे ही रह गया, रथ को आगे जान दिया। तो वही हुआ, 3 और 5 मिनट के अंदर अंदर, 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर अंसर ने जो बोला था वही कर दिया। आगे से पीछे से चारों तरफ से तलवारें डंडे लेके आए, तो अब मैं वहाँ फंस गया था, अभी काली मंदिर के वहीं फंस गया था। तो मेरा छोटा वाला जो भतीजा है उसने आगे बोला, जो चाचा आप तो चारों तरफ से घिर गए, आप देखो आप तो हम यहाँ से बच कर जा नहीं सकते। मैंने बेटा कैसे बच कर जा नहीं सकते, यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे इनको तो निकालना पड़ेगा ना। तो कह रहा नहीं चाचा आप निकलो, देखो यहाँ उधर, मैं चारों तरफ देखा तो तलवारें डंडे। तो मैंने एक बाइक किसी भाई ने हमारे छोड़ के चले गए, उसमें चाबी लगा हुआ था, तो उस बाइक को मैंने बोला बेटा बाइक यहाँ से चलाओ और फटाफट चलो यहाँ से निकलो, आगे हमारा रथ है, क्या पता उस और भी कुछ कर सकते। तो वही हुआ, मैं उस बाइक पे बैठा, भतीजा मेरा आगे चला के लेकर देखा कौशल की चौक पे हमारा रथ और पत्थर पत्थर चारों तरफ से गिर रहे थे, ये मस्जिदों की तरफ से इधर उधर चारों तरफ से पत्थर पड़ रहे थे जो मेरे सर पर भी लगा। वो मैं उस रथ को नहीं छोड़ा, मैंने देखा रथ अकेला, हमारे लोग सारे पीछे चले गए क्योंकि उन्होंने इतना पत्थर चला दिया, इतना तलवारें, वहाँ कौन रुकेगा। भाई साहब ने जो बताया सच बात है, ये उन्होंने पेट्रोल बम तक पता नहीं क्या क्या नहीं मारा, अब वहाँ कौन रुकेगा, मेरे जैसे कोई पागल ही व्यक्ति रुकेगा। तो मुझे लगा नहीं इस रथ को मुझे यहाँ से निकाल के लेकर जाना, नहीं तो क्या पता ये लोग आग लगा दे, क्योंकि वो लोग रथ में एक मूर्ति भी थे बजरंग वाले जी के, एक बाबा जो ओमनाथ जी थे उसमें वो भी बैठे हुए थे, वो आखिरी दम तक वहीं बैठे हुए थे, वो गए नहीं थे उसको छोड़ के, रथ को छोड़ के। तो देखा चारों तरफ से पत्थर पड़ रहा, हमारा वहाँ तिरंगा था, तिरंगा ऊपर पर इन्होंने पत्थर मारा, तो मैं उस तिरंगा उस रथ को पकड़ा। आपने देखा कि वीडियोस के अंदर जो रथ खींच रहा था वो मैं ही व्यक्ति था, मेरा नाम सुरेश सरकार है। मैं उस रथ को खींचा तो मेरे एक साथी है मंगल जी, वो जो पीछे मेरे पीछे खड़ा है, आपके पीछे खड़े होंगे मंगल जी, वो मेरे को देखते वो भी भागते आए और उस रथ को, मेरा एक भतीजा था बड़ा वाला, उसने बोला चाचा ये क्या हो रहा है, ये देखो ये क्या ड्रामा हो रहा है। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, इस रथ को तो लेके जाएगा, अगर उस रथ को वहाँ से नहीं लेके आते तो उस रथ को शायद वो आग के हवाले कर देते, दंगा और भड़क सकता था। बाकी मुझे नहीं लगता हमने अगर इस रथ को शांतिपूर्ण रथ को अगर खींचते लाए हमने कुछ गलत करा होगा, हम अपने देश के अंदर अगर ये काम नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो हम तो शांतिपूर्वक एकदम, हम नहीं चाहते थे झगड़ा करना, हमें क्या मतलब है, इन्होंने जो दिखाया हमने झंडा मस्जिद पे लगा दिया, क्यों हमें ऐसा काम, हम ऐसा काम कर सकते हैं कभी, हम तो अपना शांतिपूर्वक रैली निकाल लेते। बाकी इनकी बहुत बड़ी सोच से अपनी राजनीति था, इन्होंने देखा हर जगह करा, ये सिर्फ दिल्ली में तो नहीं बहुत जगह करे, हमें नहीं पता ये लोग ऐसा करेंगे, बाकी इनका पूरे प्लानिंग के साथ करें। बाकी ठीक है जी, नमस्कार। हमारा देश, हमारे देश की राजधानी और उसमें इलाकों का विभाजन, मैं आमंत्रित कर रही हूँ प्रेम जी को कि वे आए और अपने अनुभव साझा करें। प्रेम जी सभी को नमस्कार। अभी सभी को सुनने में जिस प्रकार से आया होगा कि परमिशन हम लोगों ने ली हुई थी और दो दो थानों से परमिशन हमने ली थी, महिंद्रा पार्क थाने से और जहांगीरपुरी थाने से। हर साल की तरह हम लोग यात्रा जिस प्रकार से हम लोग निकालते हैं और उसमें इसी प्रकार से हर साल यात्रा की परमिशन ली जाती है। और भारत में हम लोग जिस तरीके से रह रहे हैं, हर साल यात्रा हम लोग निकालते हैं और भी धर्मों के लोग इसी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा निकालते हैं, जिसमें कि ताजिया निकलता है, सभी को ज्ञात होगा कि किस तरीके से उसका वातावरण रहता है और उसकी परमिशन भी इसी तरीके से ली जाती है। हमने इस बार जो 16 तारीख को यात्रा निकली हमारी बजरंगबली की, उसमें भी परमिशन हमने ली हुई थी और जो भी थाने उसके बीच में हमारे आए थे उसको सभी थानों में हमने परमिशन अपनी दी थी। उसके बाद में उनका ये कहना है कि हमने कोई भी परमिशन नहीं ली, तो ये सरासर गलत है और उसमें किसका दबाव से किस तरीके से ली जा रही है ये बातें करी जा रही हैं और उसमें मुझे गिरफ्तार किया और मेरे पर केस भी किया हुआ है। बाकी वो सब जांच का विषय है, किसके दबाव में किया, किस तरीके से किया। और वो अब आगे हम लोगों ने जिस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा निकाली थी, सभी यात्रा शांति से निकली, पुलिस के जो भी अधिकारी हमारे साथ में चल रहे थे और हम जिस प्रकार से मस्जिद के सामने से निकले और सभी कार्यकर्ता वहाँ पर, ऊपर से इन्होंने जो विधर्मियों ने हमला किया, पत्थरबाजी करी, बोतलें फेंकी, तलवारों से एकदम हमला किया, वो एकदम झटके से हुआ जो किसी को भी उसके ऊपर हमें पता नहीं था। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को निकालते हुए वहाँ से लेके गए और
उन्होंने हमारा पीछा भी किया जीप लॉक तक, वो हमारे पीछे भागते हुए आए, जिसका वीडियो में सभी के पास में रिकॉर्ड है। और हम लोगों को अभी भी फ़ोन पे धमकी आ रही हैं, और जिस तरीके से कई सारे फ़ोन आए हैं उसकी जानकारी मैंने आगे दे दी है। बाकी इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। हमारे बीच दुर्गा जी हैं, सुकेन जी की पत्नी, उनके पति जेल में हैं, उनके तीन बच्चे सूरज सरकार 21 वर्ष, नीरज सरकार 19 वर्ष और सूर्य सरकार 17 वर्ष, वह भी जेल में हैं। मैं दुर्गा जी को कहूंगी कि वे आकर अपनी बात यहां सबके समक्ष रखें। ज़्यादा कुछ कह नहीं सकूँगी, मेरे से बोला नहीं जाएगा। मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे कहूँ क्या कहूँ। मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया, मेरे बच्चों को सर पकड़ के लेके गए, शांतिपूर्वक जा रहे थे, उन्हीं लोग ने सारा कुछ किया और उन्हीं लोग ने सब केस बना के उनको बच्चों को उठवा दिया। जैसा कि हमारा हनुमान जी का पूजा था, हम तो हर साल ही पूजा करते हैं, और इस बार हमने हनुमान जी का स्थापित किया था, 5 दिन लगातार पूजा किया। उसके बाद हम 16 तारीख को हमारा रथयात्रा था, फिर शांतिपूर्वक ही गए सब बच्चे, अच्छे खूब खुशी खुशी गए। उसके बाद जाने क्या हो गया उनको, पूरे जगह से घूमे, जैसे हमारा जी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक से रथ यात्रा आ रहे थे, और जैसे उनके मस्जिद के सामने से आए तो हम तो पता नहीं है, हम तो घर पे ही थे। बाकी बच्चों ने जैसे बताया कि हम आ रहे थे, इतने में उन्होंने रोका कि यहाँ से मत ले जाओ, यहाँ से मत ले जाओ, कुछ हो जाएगा। थोड़ा बहुत आनापानी हो गया और वैसे ही पत्थर शुरू हो गया उन लोगों का, पत्थर, तलवार, डंडे, सारा कुछ लेके बारिश करना शुरू कर दिया बच्चों पर। बच्चे तो जैसे तैसे जान निकाल के भागे, अब बच्चे क्या कर सकते, छोटे छोटे बच्चे गए, हम क्या लड़ने गए थे, सो बच्चे छोटे छोटे बच्चे गए थे, वो जैसे तैसे भागे, और जो 4 बच्चे थे वो रथ को लेके आए, और हमें हमारे बच्चे ने पत्थर खाए, हमारे पूजा था और हम ही को उठा के बंद कर दिया। पुलिस वाले आए, ऐसे आए पता भी नहीं लगा कैसे लेके आए, आके पूछा कि हमसे जब पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, उसके बाद ऐसे बंद कर दिया, हमें पता ही नहीं लगा, अभी तक पता भी नहीं है जो कहाँ पर है। अभी तक इतने दिन हो गया, 10 दिन हो गए शायद, 10-9 दिन हो गए, कुछ पता नहीं लगा जो कहाँ पर है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पता। क्या कहूँ और मैं क्या कहूँ, मैं माँ हूँ, मेरे तीनों बच्चे जेल में हैं, बताओ मेरे कौन मदद करेंगे, मेरे कोई मदद करे, बस इतना ही चाहती हूँ। मैं एडवोकेट राकेश कौशिक जी से अनुरोध करूंगी कि वे इस केस की डिटेल्स हम सबके समक्ष रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार।
जैसा कि ये सारा विषय आप लोगों के आगे आ गया है, मैं कुछ टेक्निकली विषय आप लोगों के आगे रखना चाहूँगा। 16 तारीख को जब ये हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तब ये किसी पर्टिकुलर मस्जिद के पास जैसे ही यात्रा पहुँची तो वहाँ पे पत्थरबाजी शुरू हो गई। आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि ये पहले से प्लानिंग थी क्या? ये पहले से प्लानिंग थी। 15 तारीख को रात 2 बजे का 2 मिनट कुछ सेकंड का भी एक वीडियो है जिसमें अंसार और उसके साथ 7-8 साथी उसके पत्थर, बोतलें, तलवार वगैरह इकट्ठा करके मस्जिद के ऊपर रखना चाह रहे हैं। मेरा आप लोगों को कहने का मकसद सिर्फ ये था कि जैसा कि मध्य प्रदेश में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, ये लोग पूरी प्लानिंग करके इस तरीके से कर रहे हैं। कोई अचानक से कोई घटना हुई और फिर ये ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। ये पहले से प्लानिंग करके, इनका कहना है कि हमारा पवित्र महीना है, हम भी ऐसी कोई यात्रा हम निकलने नहीं देंगे। एक भाव देखें इनके, आपका पवित्र महीना है तो हमारा भी पवित्र महीना है। इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे सभी समाज के सभी साथियों की ड्यूटी बनती है, हम इस बारे में सोचें आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, मैं यही चाहता हूँ। और टेक्निकली जो एक इशू है, पुलिस ने 440/22 एक FIR लॉन्च की, इसमें दोनों समुदाय के लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया। उस माता को मैं नमन करता हूँ जो इतना दर्द लेके बैठी है, उसका पति भी जेल में है, 3 बच्चे उसके वो भी जेल में हैं। उनके आंसू देखकर मुझे नहीं लगता यहाँ पर सभागार में बैठे हुए किसी व्यक्ति के आंसू ना निकले हों, उसमें मैं भी शामिल हूँ। उसके आंसू देखे जाएँ तो उसी FIR में 4 उनको भी अरेस्ट कर लिया, 4 उनको भी अरेस्ट कर लिया, जबकि FIR दूसरी इसमें लॉन्च होनी चाहिए थी। 4 उसमें NSA भी, दूसरी पार्टी में जो NSA भी लगा है, 4 इनको भी अरेस्ट कर लिया, FIR दूसरी होनी चाहिए थी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये भी एक गलत इशू हुआ है। हम सबको सोचने का ये विषय है कि ऐसा दोबारा भविष्य में ना हो। नमस्कार। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जिया समूह की जो नेशनल कन्वीनर हैं एडवोकेट मोनिका अरोड़ा जी, इनके नेतृत्व में पहले भी फैक्ट फाइंडिंग टीम जिया की जा चुकी है और इस तरह की कई रिपोर्ट्स हम संबंधित मिनिस्ट्रीज़ को दे चुके हैं। इस फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के लिए भी मैं आमंत्रित कर रही हूँ एडवोकेट मोनिका अरोड़ा जी को कि वे पूरी तथ्यागत जानकारी आप लोगों को दें। मोनिका अरोड़ा जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी यहाँ आए इसलिए नमन करती हूँ। कारण क्या है कि आज सबकी जो इंटरेस्ट होता है सबका, वो होता है नरेटिव क्या है, बुलडोज़र कहाँ चला कहाँ नहीं चला, सुप्रीम कोर्ट ने कितने मिनट में स्टे लगाया कितने में नहीं लगाया। लोग दे आर गोइंग आफ्टर नरेटिव, फैक्ट्स कोई नहीं जानना चाहता, तथ्य कोई जानना ही नहीं चाहता। वो जानना नहीं चाहते कि क्या हुआ। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें RWA के प्रेसिडेंट कहते हैं जो हुआ वो हुआ, आगे से अमन चैन करते हैं। अरे भैया, जो हुआ वो क्या हुआ ये बताना जरूरी है ताकि जो हुआ है वो दोबारा ना हो। तो हुआ क्या, फैक्ट्स क्या हैं, तथ्य क्या हैं? कहीं ना कहीं वो बृंदा करात के पोजेस में दब रहे हैं, कब्र खुद रही है उनकी। तथ्य का मत बोलो, इट अमाउंट्स टू हेट स्पीच। मत बोलो पत्थर पड़े, इट अमाउंट्स टू हेट स्पीच। पर सच है कि पत्थर पड़े। और मैं खासकर NDTV और बाकी रिपोर्टर से देखना चाहूंगी, कितना अच्छा आदमी है अंसार, उसके पड़ोसी भी कह रहे हैं, उसकी पत्नी भी कह रही है, तुम भाई बहनों बच्चों को भी ले आओ, उसके पीछे भी देख लो कौन कौन है, सबको उठा कर ले आओ। और आप न्यूज चैनल रहे ही नहीं क्या, क्या दिखा रहे हो? वन स्टूडेंट उमर खालिद, वन ह्यूमैनिटेरियन समेटन, बहुत अच्छा व्यक्ति अंसार, न्यूज कहाँ गई? न्यूज आपके नरेटिव में दब गई है और ये न्यूज बाहर आनी चाहिए, तथ्य आने चाहिए। और अगर पत्थर पड़ रहे हैं तो बताया जाएगा पत्थर कहाँ पड़े, उसका साइज क्या था, उसका रंग क्या था और कहाँ से पड़े। इसीलिए हम यहाँ पर, इसीलिए आप लोग यहाँ पर।
जो सच को बताएं, और सच बिना लाग लपेट कर दिखाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में रह रहे हैं। और जो ये पत्थर पड़ रहा है ना, ये एक उमा शंकर जी पर नहीं पड़ रहा तलवार जो पड़ रही है, ये एक सुरेश पर नहीं पड़ रहा है, ये पत्थर पड़ रहा है आईडी ऑफ इंडिया के ऊपर पड़ रहा है। आईडी ऑफ इंडिया जो कहता है भारत चलेगा संविधान से। 1947 में तो डिवीजन हो गया, 1947 में भारत ने तय कर लिया था जिसको मजहबी राष्ट्र चाहिए, प्लीज यू आर फ्री टू हैव टू मोर नेशंस। बांग्लादेश पाकिस्तान दे दिया, जाओ मजहबी राष्ट्र में इंजॉय करो। वहाँ भी लगातार लगे रहते हैं कि कैसे क्रॉस बॉर्डर करके अंदर घुस जाएं भारत के। तब भारत ने तय किया था कि हम संविधान से चलेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलेंगे, और सभी लोग संविधान से चलेंगे। और इस संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। पढ़ा है संविधान, हम तो रोज पढ़ते हैं ना कोर्ट्स के अंदर, इंडिया दैट इज भारत। और इंडिया दैट इज भारत क्या है, दो नाम क्यों है इसके? वो इसलिए दो नाम है कि भारत तो एक नवजात शिशु है जो अभी पैदा हुआ है। अगर भारत को जानना हो, इसके जीवन मूल्य क्या हैं, संविधान के मूल्य क्या हैं, तो आपको ये हजारों साल की संस्कृति को देखनी पड़ेगी, सह अस्तित्व की संस्कृति जो भारत की संस्कृति। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल फीचर्स होते हैं ना, ऐसे भारत के भी फंडामेंटल फीचर्स हैं। और भारत के फंडामेंटल फीचर्स क्या हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, हर और कण कण में भगवान, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, कि ईश्वर एक है, उस तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। तीसाम ब्रह्मास्मि, मैं डिवाइन हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप शैतान हैं, आपको पत्थर मारना है, आप भी डिवाइन हैं। तत्वमसि, जो इस शरीर में है ये पूरे ब्रह्मांड में है, मुझ में और तुझ में भेद नहीं है, वी ऑल आर वन। और यही भारत की संस्कृति रिफ्लेक्ट होती है हमारे प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसका प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आर सेल्व दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान ये नहीं कहता, हम हिंदू अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, हम मुस्लिम अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, हम क्रिश्चियन अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, हम आदमी हैं, हम औरत हैं, हम अपर कास्ट लोअर कास्ट, नो। वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आर सेल्व दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं जो सबको बराबरी देता है, सबको स्वतंत्रता देता है, सबको गरिमापूर्ण जीवन देता है। इसलिए यहाँ सभी को आर्टिकल 25 मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला हुआ है, जो कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ, सब्जेक्ट टू ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स, यू हैव अ राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन। आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कीजिए, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, यानी आप अपने जलूस पुलिस को इंटीमेट करके पब्लिक ऑर्डर के तहत आप निकाल सकते हैं। कहाँ लिखा है कि मस्जिद के आगे जलूस नहीं कर सकते? कहाँ लिखा है कि अगर ये पावन पर्व है रमज़ान का तो जलूस नहीं कर सकता? हनुमान जी की जयंती आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते? आपका जन्मदिन 28 अगस्त को होता है तो आप दिसंबर में सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि देश सेक्युलर है, जब जन्मदिन होता है तभी सेलिब्रेट करेंगे ना। तो कौन कहता है आप नहीं कर सकते? यहाँ तो साथ साथ ही प्रोसेशंस चल सकते हैं ना। लेकिन अगर ये पत्थर मारे जाएंगे और बॉटल्स मारी जाएंगी, चाहे वो जाफराबाद हो और फिर दंगे हो, और या वो आज 2022 में जहांगीरपुरी हो और कल 2023 में और 24 में कहीं और हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन रिपब्लिक विल नॉट टॉलरेट इट, दे विल नॉट टॉलरेट। जितना टॉलरेट होना था हो चुका। इसे जब पत्थर पड़ता है वो भारत के संविधान पर पड़ता है, और जो पत्थर मारता है वो भारत के खिलाफ नहीं बोल रहा, वो व्यक्ति के खिलाफ बोल रहा है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्य हैं उनके खिलाफ बोल रहा है। अब हुआ क्या, ये आप सबने वीडियो से दिखाया, जो वहाँ रहते हैं जिन पर पत्थर पड़े हैं वो आकर बता रहे हैं। आप जाइए ग्राउंड जीरो पर, बहुत से लोग हमें मिले यहाँ से ग्राउंड जीरो पर, वहाँ से आए हैं यहाँ पर, आप जाइए ग्राउंड जीरो, बोलता है
आप जाइए वहाँ पर और आपको ध्यान आएगा कि 16 अप्रैल 2022 को जब हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा था, भक्तगण गा रहे थे, नाच रहे थे, गाने बजा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। अब जन्मदिन पर कोई शोक तो मनाता नहीं है, खुशियाँ मनाता है। तो जैसे ही आगे रथ था, रथ में हनुमान जी की मूर्ति थी, आपने देखा होगा रथ, वो क्षत विक्षत था, हनुमान जी की मूर्ति खंडित। तो जब वो रथ जा रहा था, आगे हनुमान जी की मूर्ति जा रही थी, पीछे पीछे जुलूस था, जैसे ही वो वहाँ पर सी ब्लॉक के वहाँ मस्जिद के आगे से गुजरा तो ऑल्टरकेशन हुई, आपस में बहसबाजी शुरू हुई। और तभी ऊपर से मस्जिद के साथ वालों घरों से जो पथराव शुरू हुआ, उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, आदमी बड़े बड़े वो लोगों के ऊपर मारना शुरू, अफरा तफरी का माहौल, लोगों ने गलियों में भागना शुरू कर दिया, अपने आप को बचाना शुरू कर दिया। और जैसे ही आगे गए तो जो मस्जिद के आगे कुछ घर हैं और आगे जो बाईं ओर की वो लेन है, वहाँ से एक हुजूम आ गया, सैकड़ों लोगों का वहीं उसी समय एक साथ हुजूम आ गया, जिनके हाथ में तलवारें थी, डंडे थे, रॉड्स थी, कुछ के हाथ में पिस्टल आप सभी ने देखी हैं वो थी, और उन लोगों ने पत्थरों के साथ और बाकियों के साथ अटैक कर दिया इस पूरे जुलूस के। कुछ नारे भी लगाए गए, मजहबी नारे भी लगाए, काफिर भी था और भगदड़ भी था। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने अपना पूरा कंट्रोल में ली सिचुएशन और मामला संभाला। दो दिन बाद जब क्राइम ब्रांच की टीम दोबारा वहां पर गई और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और कुछ लोगों से पूछताछ करने के लिए, अरे बच्चे तो ऊपर से दोबारा और फिर क्राइम ब्रांच की टीम अफरा तफरी मची। चलो पत्थर मार काफ़ी अरेस्ट हुई आपके सामने, किस लोग अरेस्ट हो गए, उसमें जो अंसार का नाम आ रहा है वो भी अरेस्ट हो गया, असलम उसको सोनू के रूप में मीडिया बहुत दिनों तक सोनू चुपना यासिन इमाम है उसका नाम, वो भी अरेस्ट हो गया। और 5 लोगों के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया, यानी आप भारत के लिए खतरा, आपकी गोल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस कर रही थी वो क्राइम ब्रांच के साथ ही गई, क्योंकि वायोलेशन भी इन्वॉल्व थे। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पर, हाँ यहाँ सुकेन की पत्नी आई हुई है और सुकेन के ऊपर भी धारा 307 अटेम्प्टेड मर्डर लगा है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो जैसा राकेश जी ने कहा कि एक FIR है 440 ऑफ 2022, एक ही FIR, उसमें एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, जनरल कहा जाता है कि पुलिस के ऊपर हमला हुआ, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसकी पिस्टल रिकवर कर ली जाती है, सब सबूत उसके खिलाफ है कि हाँ उसने ऐसा किया, उसी FIR में दूसरे पक्ष के लोगों को भी उठा लिया जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि एक रिपोर्टर FIR लिख रहा है, वो लग ही नहीं रहा कि पुलिस की FIR है, पड़ा है एक पक्ष ने ये किया, एक पक्ष ने, ऐसे कभी क्रिमिनल केस देखा है? बैठे राकेश जी, बैठे हैं बाकी लोग यहाँ पर, ये क्रिमिनल केस है? सोचिए एक मैट्रिमोनियल केस हो ना, एक पक्ष ने ये किया, नो, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड से किसने किया, यू हैव टू नेम देम, यू कैन डू अ बैलेंसिंग एक्ट इन एन FIR, इट्स अ क्रिमिनल केस, वी हैव टू प्रूव द केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। देखो तो डेड के FIR लिखते हैं, मैं आप लोगों को कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक से, ठीक नहीं, यू हैड टू नेम कहाँ से भीड़ आई, उसके हाथ में क्या क्या था, कौन कौन उसमें शामिल था, अगर आइडेंटिफाई कर सको तो उसने मारा, और जो पिटे उनका लिखना था, ये पिटे एक पक्ष ने किया, दूसरा पक्ष, पक्ष पक्ष के खेल में तथ्य कहीं पीछे। उसके बाद सबके सामने लोगों ने बताया कि जो जुलूस जुलूस के ऑर्गेनाइजर्स पे 188 लगा, यानी अवहेलना किया, जो वहाँ पर पब्लिक एक ऑर्डर था उसकी अवहेलना किया, परमिशन नहीं लिया आपने, अरे जरूर भारत में ऐसे ही करते हैं, आप जाते हैं आप वहाँ पर उसको स्टैम्प करवाते हैं, गाड़ी में एंट्री करवाते हैं, पुलिस 4-5 लोग आपके लिए दे देते हैं, आज भी ऐसे यही होता है, तब तो हो जाता है, परमिशन कितनी कब देती है,
लेकिन हालन सिंह आपको करना है, कर रही हूँ कोशिश। पर मैं एक चीज़ और पूछूँ, बाकी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि क्या पहली बार हुआ है कि ऐसा पथराव हुआ है, क्या आखिरी बार हुआ है कि ऐसा पथराव हुआ है? क्या एक अंसार को पकड़ के, एक असलम को पकड़ के रुक जाएंगे ये सब? हनुमान जयंती के जो पथराव है वो रुक जाएंगे? क्या पैटर्न ये लगातार आप देख नहीं रहे हैं? ऐसा पैटर्न इज इट वेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम लॉ का और समाधान इसमें क्या? तो जहांगीरपुरी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसकी अगर आप डेमोग्राफी देखें तो ये हिंदू मेजॉरिटी एरिया है। इसमें जिन जिन पॉकेट्स में झगड़े हुए, झगड़ा मैं कहूँगी जहाँ से टकराव हुआ, जहाँ से हमला हुआ है, वो वहाँ मुस्लिम्स की एक डेंस पॉपुलेशन है। पिछले 30 साल से वहाँ लगातार बांग्लादेशी बस्तियाँ बस्ती आ रही हैं, जिनको वहाँ जाने के जो लोग आए वो हमें कहते थे बंगाली मुसलमान उनको कहा जाता है। तो ये बांग्लादेशी बस्तियाँ लगातार यहाँ बस्ती जा रही हैं, इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आ रहे हैं, अपने साथ कल्चर और संस्कृति ऑफ इंटॉलरेंस भी ला रहे हैं। इलीगल ट्रेड पीछे गुजड़ खाने में, इलीगल स्लॉटर हाउसेस, आप किस तरह से वहाँ पानी नहीं है, लाइट नहीं है, एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ सब कचरा अपनी ड्रेन्स में फेंक दिया है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। एनक्रोचमेंट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक कमरा बढ़ा दिया, छज्जा बढ़ा दिया, चार चार एकड़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर कबाड़ का धंधा चलता है, प्लास्टिक के कबाड़ का धंधा चलता। हमने अपनी फैक्ट फाइंडिंग में एड्रेसेस दिए हैं, बाकी एड्रेसेस हम होम मिनिस्ट्री को देंगे। अगर हम ये एड्रेसेस जान सकते हैं तो लोकल पुलिस नहीं जान सकती, लोकल अथॉरिटीज नहीं जान सकती। तो कबाड़ का धंधा वहाँ चार चार एकड़ लैंड पर चढ़ता है। आप जाइए उस एरिया में, बड़े बड़े आपको पॉलिथिन्स मिलेंगे, कबाड़ से भरे हुए मिलेंगे, इतना प्लास्टिक है। अगर एक बार कहीं से आग लग जाए तो पूरा एरिया धूल भर के जल जाए, किसी को चिंता ही नहीं है। पॉलिटिकली फैक्ट रिगार्डिंग बांग्लादेश। उसके बाद लोग बता रहे थे वहाँ पर, लोग बता रहे थे कि इसी कबाड़ से ये बॉटल्स निकाली जाती हैं जो छतों पर इकट्ठी की जाती हैं और ये फेंकी जाती हैं, इसी कबाड़ के पीछे वेपन्स छुपाए जाते हैं। तो वेपन्स की इंडस्ट्री वहाँ अच्छी खासी चलती है। मस्जिद के सामने वहाँ इलीगल पार्किंग चलती है, जो लोग बता रहे थे ये अनुसार थी, जहाँ से लाखों रुपया पर मंथ आता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। इलीगल इंक्रोचमेंट्स जो हैं वो पूरे नाले के ऊपर हैं, वो सड़कों के ऊपर मकान भी हैं और दुकानें भी हैं, कोई हटाने वाला नहीं। बहुत सारे मदरसे खुले बिना परमिशन के, कोई उनके रेगुलराइजेशन, उनमें क्या पढ़ाया जाता है, आपने बहुत सारे बच्चे देखे जो पथराव में आगे आगे लीड कर रहे हैं। कंप्यूटर्स पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है, या आप इनके हाथ में कंप्यूटर्स की जगह पत्थर पकड़ाना चाहते हैं तो मार डालो, काफ़ी मार। हमने एड्रेसेस दिए हैं उन मदरसों, ये मदरसे खुले हैं, ये तो हम कुछ दिन जाकर ही जब आइडेंटिफाई किया हमने, अथॉरिटीज क्या करें, सो लोकल पुलिस स्टेशन क्या करें, जिसके बीच कॉन्स्टेबल के बिना एक पत्ता नहीं मिल सकता, वो क्या करें? उसके बाद यहाँ पर लोग बताते हैं कि चेन स्नैचिंग की, लड़कियों को छेड़ने की, पर्स स्नैचिंग की, धमकाने की, एक्सटॉर्शन की, इतनी घटनाएं हैं कि लोग निकल रहे हैं इस एरिया से। वहाँ पर शाम के बाद जब रात होती है लोग वहाँ से निकल नहीं सकते हैं, इतना डर रहता है वहाँ पर इलीगल एक्टिविटी। ये सब बताया कि वहाँ के लोग विजिट कीजिए, जानिए कि इट्स नॉट ओनली अबाउट वन हाउस और द अदर हाउस ऑफ बुलडोजर, ये पूरी एक इकोनॉमी है, इलीगल इकोनॉमी, जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ आती है और ऐसे जहांगीरपुरी दिल्ली में कई जगह पर बसाती है। हमने पहला पेज अपनी रिपोर्ट का कहा है जहांगीरपुरी वायलेंस 2022, अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, टाइम बॉम्ब
of illegal Bangladeshi immigrants, of illegal trade, of illegal encroachments and radicalization. तो जो ये पत्थर मारे जा रहे हैं लोगों के ऊपर नहीं मारे, ये भारत के संविधान के ऊपर मारे जा रहे हैं। आखिरी बात, दिल्ली रायट्स 2020 में हम कई बार गए, हम जाफराबाद गए, मुस्तफाबाद, जानबाद, और वहाँ पर जो हमने देखा एक पैटर्न एग्जिस्ट करता, चाहे वो वहाँ का हो चाहे वो आज का हो। शायद जब हम बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता हिंदुस्तान में कितने इलाकों में यही पैटर्न अपने आप को रिपीट करेगा, और हम एक उमर खालिद और एक अंसार को ढूंढें। हम बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते। जो रेडिकलाइजेशन छोटे छोटे बच्चों का हो रहा है, औरतों का हो रहा है, वी डोंट वॉन्ट टू पॉइंट इट आउट। जहांगीरपुरी में पत्थर था तो अगर इस बीमारी को रोका नहीं गया। पैटर्न क्या है आप देखिए, आप मुस्तफाबाद, जाफराबाद, चांदबाग, तो दिल्ली राइट्स 2020 में जो एपिक सेंटर्स थे राइट के, उसमें वो भी हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थे, वहाँ भी डेंसली पॉपुलेटेड मुस्लिम जहाँ पॉपुलेशन थी वहाँ पर सिट इन प्रोटेस्ट वहाँ पर हुए, जितने भी धरने हुए वो मस्जिदों के पास में, नाम कुछ भी दिया हो, आइडेंटिफाई करो लोकेशन, वी वेंट टू ऑल ऑफ देम, मस्जिदों के पास में, वहाँ लोगों को इकट्ठा करना और रेडिकलाइज करना ईजी होता है। विमेन और चिल्ड्रन को इकट्ठा किया गया, एक एक महीने रेडिकलाइज किया गया, और इसमें आपके लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स का बहुत रोल है। वहाँ जो नारे लगे आप सबके सामने थे, हिंदुओं की कब्र को देवी, काफिरों की आदत कर देने, खिलाफत 2.0, खिलाफत मत बोलिए, खलीफा 2.0, इसे बहुत खलीफा राज, इस्लामिक राज, ये देश नो प्लेस फॉर अस। जहांगीरपुरी से 6-7 बसेस, लगभग 300 औरतें 400 औरतें उस समय वहाँ पर जाया करती थी, जाफराबाद के पास वहाँ से इनमें बैठा था, वहाँ से इनकी ट्रेनिंग शुरू की। आज पत्थर कहाँ से मारे अपने घरों की छतों से, वो ट्रेनिंग उनकी 2020 के दंगों में हुई। तो ये जो कट्टरता बढ़ रही है, ये रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है, इस मानसिकता पर बुलडोजर की ज़रूरत है। ये कहीं भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन में कहती हूँ, ये कहीं भी कट्टरता बढ़ रही है ना, इट इज़ अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कंट्री। ये कंट्री नहीं बचेगी अगर ये कट्टरता को रोका नहीं गया। तो भारत, इंडिया दैट इज भारत, इस संस्कृति के साथ रहना होगा, सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस को मानना होगा। रमज़ान भी चल सकता है और हनुमान जयंती का जुलूस भी जा सकता है, हम ईद में गले मिल सकते हैं, हम दिवाली में गले मिल सकते हैं, बीच में ये कहाँ से आ गया कि वी आर बिलीवर्स एंड यू आर नॉन बिलीवर्स, वी हैव एवरी राइट टू कन्वर्ट यू, नो। यहाँ तो यही चलेगा कि ईशावास्यम इदम सर्वम, हम सब एक हैं, ईश्वर हर जगह पर है, तुझमें और मुझमें भेद नहीं है। क्योंकि आप देखिए, ये जो एक कन्विंस करके ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ना, तो स्टोन पेल्टिंग आपके जहांगीरपुरी में नहीं होती सिर्फ, आपके जाफराबाद में नहीं होती सिर्फ, आपके मध्य प्रदेश यूपी में नहीं होती, वो स्वीडन में भी होती है, फ्रांस में भी होती है, और वो बाकी कंट्रीज में भी होती है, वो हर जगह पर दुनिया भर में होती है। तो आखिर में लेफ्टिस्ट इस्लामिक इको सिस्टम, जब पत्थर पड़े हनुमान जयंती के जलूस पर, वहाँ कोई नहीं आया, ये लोग भटक रहे थे, हम क्रिमिनल कंप्लेंट कहीं लॉन्च कर सकते हैं, भगा दिया गया, भागो यहाँ से, वो डॉक्टर को ढूंढ रहे थे, कहीं तलवार लगी थी, कहीं पर पत्थर पड़ा, कोई नहीं। उसके बाद ये लगातार यहाँ से वहाँ भागते रहे, कोई नहीं आया। पर एक अगर बुलडोजर चल गया, मैं तो हाई कोर्ट में थी उस समय, 10 एडवोकेट्स हाई कोर्ट में मेंशनिंग के लिए खड़े थे, 10 एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग के लिए खड़े थे कि बस दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस ऑफ द कंट्री। क्यों भैया? और ये भी उसी तरह के एडवोकेट्स थे जो हादिया के लिए आते हैं, जो टेररिस्ट के लिए आते हैं, बांग्लादेशीज के लिए आते हैं, रोहिंग्यास के लिए आते हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए कभी नहीं आते। एडवोकेट्स का भी धर्म होता है, उनको सिखाया गया होता है कि ये हमलावर है और ये विक्टिम है, आप इनकी मदद कीजिए।
पैसा कहाँ से आता है? प्रोबोनो होता है। प्रोबोनो होता होता तो हादिया के केस में PFI जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है क्राउड फंडिंग करके 80 लाख रुपए एडवोकेट्स को ना देती, ये ऑन रिकॉर्ड। तो इसीलिए अब ये इकोसिस्टम और एक इकोसिस्टम है उनका जो भारत से प्यार करते हैं। और इनका इकोसिस्टम क्या कर सकता है? सच को लगातार बोलता रहे, हर प्लेटफॉर्म पर बोलता रहे। जो लिख सकते हैं वो लिखे, जो बोल सकते हैं वो बोले, जो फैक्ट फाइंडिंग कर सकते हैं एक एक शब्द फैक्ट फाइंडिंग का सच है और मैं चैलेंज कर सकती हूँ, वो फैक्ट फाइंडिंग करें। जो गाना बना सकते हैं वो गाना बनाए, जो कार्टून बना सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, जो जो कर सकते हो करो। इट इज़ अबाउट योर नेशन एंड योर कंट्री विच सेज इंडिया दैट इज भारत एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आर सेल्व दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात कह के अपनी बात समाप्त कि सच कोई नहीं जानना चाहता। बुलडोज़र चला तो क्यों चला, कोई पूछे ना पत्थर पड़े तो क्यों पड़े, और रामनवमी पे पड़े, हनुमान जयंती पे पड़े, पत्थर क्यों पड़ते हैं? वाई कांट यू टॉलरेट? इस भारत में 5 बार नमाज होती है लाउड स्पीकर से, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप नमाज करिए, आप अजान करिए, डोंट यूज़ लाउड स्पीकर्स, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। करने हैं तो इतना डेसिबल होना चाहिए, उसका मुंह नीचे होना चाहिए, इतने हाइट पे होने चाहिए, और केवल जो मस्जिद का बरामदा है वहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए। आवाज़ कहाँ तक आती है? कोई पत्थर नहीं मारता, नो ठीक है, इट्स ओके, हमारे भाई हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर एक कोई गाना गा रहा है या बजा रहा है और जय श्री राम कह रहा है, तुम पत्थर मारोगे, तलवारें मारोगे, इट इज़ नॉट ओके, इट इज़ नॉट ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट इज़ नॉट ओके, द लॉ सेज इट्स नॉट ओके, यू कांट डू इट, यू कांट डू इट। तो इसीलिए सच कहते रहिए, दम से कहते रहिए, ज़ोर से कहते रहिए। सच कहेंगे तो सच 100 पर्दे फाड़ कर भी आगे आता है। तो मत पूछिए क्यों पाँव में रफ्तार नहीं है, ये कारवां मंजिल का तलबगार नहीं है। सब हैं तमाशबीन लगाए हैं दूरबीन, सच जानने को कोई भी तैयार नहीं है। जो आदमी की साफ सही शक्ल दिखा दे वह कारवां माहौल को दरकार नहीं। हम सच लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे। ये 5 बहनें बैठी हैं और हमें पता है हमारे पीछे पूरा हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद।